हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी डैंड्रफ है और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं तो डोंट वरी, आज की इस रेमेडी से आपके डैंड्रफ 100% चले जाएंगे। ये रेमेडी कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, और इस रेमेडी से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। देन इसमें मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ऑयल आप उतना ही लें जितना आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसे फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश ही यूज़ करेंगे। देन इसमें हम लेमन डालेंगे, हम एक पूरा लेमन इसमें निचोड़ देंगे। लेमन जूस से हमारे जो स्कैल्प में, हमारे जो सर में डैंड्रफ होंगे वो चले जाएंगे, और जो नारियल का तेल होगा वो हमारे बालों को नरिश करेगा। इससे हमारे बाल शाइनी हो जाएंगे और सिल्की भी। सो इसलिए हम इसमें पूरा एक नींबू अच्छे से डाल लेंगे, उसका जूस। देन इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में, लेकिन हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में मिल जाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे अपने बालों के जड़ पर, अपनी स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करना है। देन अप्लाई करने के बाद हम इसे मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद इसे ओवरनाइट के लिए इसी तरह से रहने देना है। देन सुबह अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, और वो रेमेडी भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इसे बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, जिसे हम गैस पे रख देंगे। इसमें हम एक ग्लास के करीब इस पानी डालेंगे, इसे हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच के करीब चाय पत्ती, और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। गाइस, जब आप इस वाटर से अपने हेयर को वॉश करोगे ना, तो आप अपने बालों में इतना फ़र्क देखोगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो चुका है। गाइस, इससे आपके बाल कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और साथ में आपके जो डैंड्रफ होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइस, इसे अच्छे से उबालने के बाद हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। पूरा ठंडा करने के बाद ही हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे अच्छे से छान कर इसे ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक पूरा लेमन का जूस। इसमें हम लेमन का जूस डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, जो आप यूज़ करते हो, जो आपको सूट करता है, आप वो शैम्पू इसमें यूज़ कर सकते हो। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। गाइस, जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए, जब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे अपने बालों को वॉश कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नॉर्मल वाटर से अपने बालों को गीला करना है। देन इसे अपने बालों पर अप्लाई करके अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। देन अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये आपके बालों को हेल्थी शाइनी बनाएंगे, और साथ साथ में आपके डैंड्रफ को भी ख़त्म कर देंगे। सो आप इसे जब भी अपने बालों को जब भी वॉश करते हैं, तो आप इन दोनों को यूज़ करिए। देन इसका रिज़ल्ट 100% आने वाला है। वैसे तो आपको ये 3-4 बार यूज़ करने पे ही पता लग जाएगा इसका रिज़ल्ट, ये कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप हमेशा अपने बालों को हेल्थी देखना चाहते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।